फार्मा वाडियो चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी निकला है उसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो चलिए उसके लिए आ जाते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के लिए हम लोग सर्च कर लिया है www.drdo.government.in। उसके बाद आप जाएंगे कैरियर सेक्शन पर। कैरियर सेक्शन के जाने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने पेज ओपन होकर आएगा, जिसमें से थर्ड नंबर पर जो पोस्ट है INMAS DRDO इनवाइस द एप्लीकेशन ऑफ द एंगेजमेंट, उसको आपको क्लिक कर लेना है। जहाँ पर आपको लास्ट डेट जो है वो है 22 फरवरी 2023, और इसको एप्लीकेशन को देखने के लिए यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट शो हुआ उसको क्लिक करने के बाद आज का जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में टाइटली आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूक्लियर मेडिसिन एंड द एलाइड हेल्थ साइंसेस INMAS दिल्ली, जहाँ पर आपको डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO जो कि मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस के अंदर आता है, जिसमें आपका वन ईयर का एंगेजमेंट पर अप्रेंटिस का पोस्ट में फार्मासिस्ट का वैकेंसी निकला है। जहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो है 2 वैकेंसी, और जिसमें बी फार्मी सिर्फ अप्लाई कर सकता है, और जिसके लिए आपको मंथली जो स्टाइपेंड दिया जा रहा है वो है 9000 रुपीज़। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है वेबसाइट, उस वेबसाइट में जाके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके लिए डिटेल्स वीडियो इस वीडियो के बाद आप देख पाएंगे, तो उसके लिए हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर फर्स्ट लिए देख लेंगे यहाँ का जो एप्लीकेशन है वो 23 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 22 फरवरी तक इसमें चलेगा। जहाँ पर सिलेक्ट होने के लिए आपको मेरिट बेसिस में सिलेक्ट होना पड़ेगा, मतलब आपका जितना भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसमें टैली करके जितना जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा वो ही फर्स्ट यहाँ पर चांस पाएंगे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए और यहाँ पर सिलेक्ट होने के लिए। और यहाँ पर और भी एक बात बोला गया है, जो जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उसको ही इन्फॉर्म किया जाएगा, उसका ईमेल आईडी और उसका जो फ़ोन नंबर देंगे उसके बेसिस में सिलेक्ट होने का डिटेल सबको मिल जाएगा। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में जाके दिखा देते हैं कहाँ किस किस टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया। तो आपको ये उस पर जो वेबसाइट दिया गया है उस वेबसाइट पर जाके आपको लॉगिन करना पड़ता है, तो उसमें आपको अच्छी तरीके से फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है। जो जो कैंडिडेट नहीं फिलअप करेगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जो अच्छी तरीके से फिलअप करेगा वही पास होगा। तो यहाँ पर जो कट ऑफ जो कैंडिडेट है जो फ्रेश कैंडिडेट है वही यहाँ पर सिलेक्ट होने के चांस बढ़ेंगे, मतलब आपको वन ईयर के ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 2020, 2021 और 2022 इस ईयर के अंदर आपको पास करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते। और इसमें जो अप्लाई होने के बाद आपको 12 मंथ के लिए आपको लिया जा रहा है, तो उसके बाद आपको जो जो कॉन्टैक्ट रहेगा वो एक्सटेंड भी हो सकता है आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेसिस पे। तो बेसिकली आपको अभी 12 मंथ के बेसिस पे लिया जा रहा है, और आपका जो क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पर मेंशन किया गया है उस क्वालिफिकेशन का आपको मैच होने पर ही अब यहाँ पर अप्लाई कीजिए, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट होने का चांस है वो रिजेक्ट हो सकता है। और यहाँ पर भी रूल्स दिया गया है आपको, जैसे कि गवर्नमेंट बेनिफिट्स पाने के लिए आपको SC ST OBC का सर्टिफिकेट आएगा, तो आपको जो गवर्नमेंट का बेनिफिट मिलता है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको प्रॉपर जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको सबमिट करना पड़ेगा, आपको जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आपको वेरीफाई होगा उस टाइम पर। मेडिकल जब आप उसमें ज्वाइन करने जाएंगे तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगा, तो उसको भी आपको लेके जाना है जब सिलेक्ट होने के बाद, आपका नाम आने के बाद। तो यहाँ पर जो अप्रेंटिस जो एक्ट है उसको मेंटेन करके यहाँ पर लिया जा रहा है, तो उसको आप चाहिए तो अच्छी तरह से देख के यहाँ पर अप्लाई कीजिए। आपको यहाँ पर अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए लिया जा रहा है, तो आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर परमानेंट स्टाफ के रिगार्डिंग कोई क्लेम नहीं कर सकते, और यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल में काम भी नहीं कर सकते, तो इसको आपको अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पोस्टिंग के बारे में दिया गया है, जो कि आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज INMAS दिल्ली में सिचुएटेड है, वहाँ पर ही आपको पोस्टिंग रहेगा। और यहाँ पर और भी बोला गया है, यहाँ पर जो पोस्ट दिया गया है दोनों जो पोस्ट और जितना भी पोस्ट है वो पोस्ट कभी भी इंक्रीज हो सकते हैं कभी भी डिक्रीज हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है वहाँ का जो इंस्टीट्यूशन का जो हेड है उसका ऊपर। और ऐसा करके यहाँ पर बोला आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो तभी कोई ट्रैवलिंग अलाउंस और DNS अलाउंस कंपनी की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आप जितने दिन वहाँ पर अप्रेंटिस में रहेंगे तो वहाँ पर आपको डोमिसाइल का कोई फैसिलिटी एकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा, ये सब
कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर दिया गया है जो कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेने के बाद ही यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। तो डिटेल्स क्वेरी रहेगा, कोई भी क्वेरी रहेगा तो आप यहाँ पर दिया गया है जो hrd.inmas@government.in पर ईमेल करके आपका कोई भी क्वेरी रहेगा तो आप इसमें पूछ सकते हैं। अभी आपको दिखाने वाला है इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके बारे में डिटेल्स में। तो आपको चले जाना है नेशनल अप्रेंटिस ऑफ द ट्रेनिंग स्कीम के ऑफिशियल वेबसाइट में जो कि वहाँ पर दिया गया था नोटिफिकेशन के अंदर। उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको साइड में दिखाई देगा आपको लॉग इन और इनरोलमेंट। फर्स्ट आपको इनरोलमेंट कर लेना है, तो आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट कर लेना है, इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते तो इंस्टीट्यूशन, तो आपको स्टूडेंट हो तो फर्स्ट स्टूडेंट कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के फॉर्म ओपन होकर आएगा जहाँ पर आपको आपका नाम डालना है, आपका रेजिडेंशियल डिटेल्स, आपका फादर्स नेम मदर्स नेम सारा डिटेल्स डालने के बाद आपको इनरोलमेंट फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद प्रीव्यू और कन्फर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका लॉग इन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। उसके बाद आपको चले जाना है लॉग इन पर क्लिक होने के बाद आपका जो आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होगा उसको क्लिक करके लॉग इन कर लेने के बाद आपका DRDO का जो पोस्ट है वो आपको शो होगा, उसमें आपको क्लिक करके आपको अप्लाई कर लेना है। इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी रहेगा इसके रिगार्डिंग तो आपको इसमें दिया गया जो ईमेल आईडी है उसमें ईमेल करके आपका कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो और आपको इसमें अप्लाई करने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट था सारा रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल हुआ हो। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और फार्मा जॉब रिलेटेड अपडेटेड रहने के लिए हमारा चैनल को फार्मा नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, फिर के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए इस वीडियो आपको कैसे लगा। और इस नोटिफिकेशन की डिटेल्स आप डायरेक्टली पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका टेलीग्राम नहीं है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन करके सारा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विद फार्मा नॉलेज।